So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 9th, right? Today we are going to study lesson 3, The Little Girl in Beehive, right? So if you remember, in our last video we started this chapter, right? We have covered couple of stanzas or paragraphs within this particular story, right? So this story is about a little girl who has or who is having a lot of fear from his father, right? And in our and in the last paragraph we have studied that her grandmother told her told the little girl that why that you should be making a pillow cover, or you can say a cushion, for your father to gift her to gift him, right? So till here we have studied. Let's see what happened, or what are the next things that are given within the story, right? So let's proceed, class. So let's start. This is we are continuing with lesson 3, The Little Girl, which is getting continued, right? Let's start. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides, right? So if you remember, just above this paragraph we have studied that how her grandmother told her that your father's birthday is next week, so you should be making a pin cushion so that you can gift that particular gift to your father, right? So laboriously means bagal mein likha hua hai, you can see it is written beside this paragraph, with a lot of effort or difficulty. Bahut sare efforts se usne double cotton matlab एक कपड़ा था, उसको उसको उसने डबल किया, ठीक है? और क्यों? क्योंकि उसे पिन कुशन, मतलब कुशन मीन्स अ पिलो, एक पिलो टाइप का कुछ बनाना था. द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, और तीनों साइड से उसने सिलाई कर दी. स्टिच मीन्स टू मेंड और या सिलाई करना, ठीक है? तो एक उसने डबल कॉटन का कपड़ा लिया, उसको मतलब एक कॉटन का कपड़ा लिया, उसने उसने डबल किया मतलब फोल्ड किया, और उसने तीनों साइड से उसको सिलाई कर दी उसकी. बट वॉट टू फिल इन इट, मतलब अब उसे अब क्योंकि वो पिलो बनाना था, कुशन बनाना था. आप जानते हो कि पिलो के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कुछ कॉटन जैसा होता है, ताकि उसे आराम से वो सॉफ्ट रहे, राइट? तो वो पिलो की तरह काम करे. तो उसके दिमाग में भी आता है कि व्हाट शुड आई फिल इन इट, दैट वाज द क्वेश्चन. और वही वहाँ पे उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि तीनों साइड से मैंने सिलाई तो कर दी है, पर अंदर मैं क्या भरूँ इसके. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स रूम, मदर्स बेडरूम, ठीक है? अब वो अपनी दादी से पूछने के लिए सोचती है कि मैं इसके अंदर क्या भरूँ, पर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी होती हैं, वो कहाँ होती हैं, गार्डन में. एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वंडर्ड मतलब वेंट इन टू बाई चांस, ठीक है? तो वंडर्ड मतलब वो इस वजह से कुछ ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे पिन कुशन में या उस पिलो में कुछ भरना होता है, डालना होता है, तो इस वजह से वो अपने मदर के बेडरूम में चली जाती है ढूंढते कि क्या उसे कुछ भी उसे मिल जाए ताकि वो उसमें भर सके. मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और किस क्या ढूंढ रही थी, वो स्क्रैप ढूंढ रही थी, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल जो कि उसके उस पिलो में जो वो बना रही थी पिन कुशन, उसमें भरा जा सके अंदर, ठीक है? सो टू लुक फॉर स्क्रैप, स्क्रैप्स मीन्स वेस्ट. वो कुछ वेस्ट की तरह ढूंढ रही थी, जो कि वेस्ट हो, कोई काम का ना हो, पर इस पिलो में जो मैं बना रही हूँ उसमें मैं भर सकूँ या भर दूँ. On the bed table she discovered means saw, right? उसने क्या देखा, bed table पे, जो वहाँ पे table के बगल में bed के बगल में जो table थी उस पर उसने क्या देखा, a great many sheets of fine papers, कुछ वहाँ पे अच्छे खासे papers रखे थे. Gathered them up, उसने उसे gathered किया मतलब इकट्ठा किया. tore them means to tear, मतलब फाड़ देना या छोटे छोटे pieces में उसको कर देना. तो paper को उसने क्या किया, वो paper को उठाया उसने, उस लड़की ने, little girl ने, केजिया ने, और उसे फाड़ दिया, मतलब छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया. देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड, स्टफ्ड मींस फिल कर दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, राइट? सो उसे फाड़ दिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद उसने अपने केस मतलब अब वो जो पेन कुशन था वो किसकी तरह, एक केस की तरह था, मतलब एक अब एक डब्बे की तरह हो गया था, क्योंकि तीनों तरफ से सिलाई हो गई थी, एक तरफ से खुला था, तो वो किस तरीके से अब काम कर रहा था, एक केस की तरह. तो उसी केस में उसने सारे चीज़ों को, सारे इन पेपर्स को भर दिए, ठीक है?
देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और उसने चौथा जो मुंह उसका खुला था पेन कुशन का, चौथा जो चौथे साथ चौथा साइड उसका खुला था, उसको इस इन पेपर्स को भरने के बाद उसको भी उसने सिलाई कर दी, उस साइड को भी उसने सिल दिया. दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई. ह्यू एंड क्राई मीन्स डिस्टर्बेंस राइट इन द हाउस. अब घर में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई उस दिन, उस रात में जिस दिन उसने ये पेपर्स को फाड़े थे और उसमें पेन कुशन में भरा था, उसी दिन रात में बहुत सारा डिस्टर्बेंस घर में हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब जो फादर्स के स्पीच के जो पेपर थे पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो कि उन्होंने उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया था या लिखा था या असेंबल किया था अपने पास, वो अब खो चुका था. तो इसका मतलब है ये पेपर जो पापा जो उसके फादर के पेपर थे, स्पीच वाले पेपर थे, उन्हीं को इसने फाड़ दिया था जो कि उसके फादर के रूम में रखा हुआ था. और अब उसने क्या किया था, उसने फाड़ के क्या किया था, अपने पिन कुशन में भर दिया था. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, ठीक है, रूमों की तलाशी ली गई, सारी जगह ढूंढा गया, जो सर्वेंट्स थे उनसे पूछा गया, ठीक है. फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और फाइनली जो उसकी केजिया की मदर थी वो कहाँ आ गई, अब केजिया के रूम में. केजिया आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम. अब वो बोलती है कि केजिया मुझे नहीं लगता कि शायद ही तुमने कोई पेपर देखा होगा जो कि हमारे रूम में रखा था, कहाँ पे, टेबल पे, राइट. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज, राइट. सो अब वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने वो पेपर देखा था और अब मैंने उसे क्या कर दिया, उसे फाड़ दिया है अपने सरप्राइज के लिए. सरप्राइज मतलब जो वो गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी अपने फादर के बर्थडे के लिए, राइट. तो वो ये चीज़ मम्मी को बताती है. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. स्क्रीम्ड मीन्स टू क्राई लाउडली, मतलब चिल्ला उठी. वो उनको समझ में नहीं आया और उसने वो मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाई कि एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं, तो वो चिल्ला पड़ी. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट मीन्स मूवमेंट. अब वो बोलती है उनसे कि तुरंत नीचे की ओर, मतलब नीचे आ जाओ तुरंत डाइनिंग रूम में, बस इसी वक्त. एंड शी वॉज ड्रैग्ड पल डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. सो शी वॉज ड्रैग्ड मीन्स पुल डाउन, मतलब वो उसकी मम्मी क्या कहती है, उसको खींचते हुए उसके पापा के पास ले जाती है और वहाँ पे डाइनिंग रूम में उसके पापा के पास ले जाती है और वहाँ पे उसके पापा क्या कर रहे थे, मतलब टू एंड पेसिंग मीन्स वॉकिंग टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर गुस्से में टहल रहे थे. जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा गुस्से में लोग इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं, उसी तरीके से उसके पापा गुस्से में टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि एक्चुअली पेपर्स गए कहाँ. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और हाथों को अपने पीछे करके वो गुस्से में लेफ्ट टू राइट वो टहल रहा था. वेल ही सेड शार्पली मीन्स एंग्रीली, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अब उसने बोला, क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था दैट इट वॉज केजिया हु डिड ऑल दिस थिंग्स. मदर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, मदर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की. ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, अब वो रुकता है, जो अभी टहल रहा था चल रहा था गुस्से में, अब वो रुक जाता है और वो घूरता है किसके तरफ, केजिया के तरफ. डिड यू डू दैट, वो उससे पूछता है क्या तुमने ये सब किया है. नो 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 शी विस्पर्ड, राइट. तो वो हकलाते हुए मीन्स स्टैमरिंग वॉइस में वो बोलती है, शी विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स स्पोकन लाइटली और सॉफ्टली, वो धीरे धीरे हकलाते हुए बोलती हैं. मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग्स. फैच मीन्स टू ब्रिंग एंड डैम्ड मीन्स लॉस्ट. अब वो उसके जो फादर है केजिया के, वो उसकी मदर से कहते हैं कि तुम केजिया के रूम में जाओ और वो सारे चीज़ें लेके आओ जो मतलब खो चुकी हैं, सारी चीज़ें जो मतलब अब तक, अब क्योंकि अब वो पीसेस सारे पेपर पीसेस में हो गए थे, वो कुशन में भर चुका था, तो इसका मतलब एक हिसाब से वो क्या हुआ, लॉस्ट हो गया था. तो वही उसी पेपर्स को लाने के लिए केजिया के फादर ने केजिया के मदर से बोला. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और उसने बोला कि जाके देख के आओ, क्योंकि अभी अभी उसके उसके उसने अपनी मतलब उसके फादर ने बोला, क्योंकि ये लड़की इस लड़की ने अभी अभी अपने वहाँ पे अपने बेड पे उन सारी चीज़ों को रखा हुआ है, राइट. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर,
राइट, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. अब वो रो रही थी, डर रही थी कि अब उसे मार पड़ेगी, उसके पापा गुस्सा होंगे. और वैसे पहले से भी उसके उसको बहुत डर लगता था अपने पापा से, शुरुआत से ही वो डरी डरी रहती थी, हमेशा डरी डरी रहती थी. तो वो अब रोने लगी और बहुत ज़्यादा रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए कि उसने गलती नहीं की है, दरअसल वो तो अपने पापा को गिफ्ट करना चाहती थी. शी ले ले मीन सैट डाउन इन द शैडोड रूम. अब जहाँ अंधेरा थोड़ा था, परछाई आ रही थी, उसी रूम में वो जाके बैठ जाती है. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और जो वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी बाहर से, वो उसको कैसा लग रहा था देखने में कि वो एक सैड लिटिल पैटर्न, पैटर्न मीन्स शेप बना रखी थी फ्लोर पे, राइट. देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स. और तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और उनके हाथ में क्या रहती है, एक रूलर. रूलर मीन्स स्टिक, ठीक है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ या मार लगाने वाला हूँ, ठीक है. ओह नो नो शी स्क्रीम्ड. स्क्रीम मीन्स टू क्राई, राइट, चिल्लाना. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. अब वो नो नो करते हुए वो चिल्लाती है कि नहीं नहीं मुझे मत मारिए या मत मारो, और वो छुप जाती है किसके नीचे, बेड क्लोथ्स के नीचे, ठीक है. ही पुल्ड देम असाइड. और वो उसको किनारे रख देता है, मतलब जिसके नीचे वो छुपी रहती है उस चीज़ को हटा के वो मतलब किनारे रख देता है. बेड क्लोथ्स मतलब कि क्लोथ्स वेयर सॉरी अ काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर ऑल द क्लोथ्स वर केप्ट, राइट. सो उस चीज़ को हटा के वो किनारे रख देता है. ही पुल्ड देम असाइड. असाइड मीन्स टू वन साइड. सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. अब वो बोलता है कि मतलब सिटअप करने के लिए बोलता है, और उसके बाद उससे बोलता है कि नाउ टेक आउट योर हैंड्स, राइट, मतलब अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. अब वो बोलता है कि तुम्हें एक बार ये सबक सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, और हमेशा के लिए, कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच. और हर चीज़ के लिए, और तुम्हें एक बार और हर चीज़ के लिए ये बताना ज़रूरी है, ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे बिल्कुल भी तुम्हें छूना नहीं है या नहीं चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. ऐसा वो बोलती है, फिर से यहाँ पर वो स्टैमरिंग कर रही है. बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, ठीक है, पर वो बताती है कि मैंने जो भी किया, आई ओनली वॉन्टेड टू गिफ्ट यू समथिंग ऑन योर बर्थडे, राइट. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, राइट. अब उसके छोटे छोटे जो हथेली थी, ठीक है, पिंक पिंक कलर की, अब उस पर वो बहुत तेज़ से उस पर क्या करता है, उसके उसका जो फादर रहता है उस पर उस स्टिक से उसको मार देता है, ठीक है. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. आर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंच्ड टू हर सॉफ्ट बॉडी, राइट. सो आर्स लेटर, लगभग एक घंटे घंटों के बाद, ठीक है, जब वो मार वार खा चुकी थी अपने पापा से, रो रही थी, गुस्से में थी घर वालों से, तो लगभग कुछ घंटों के बाद उसके ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसको रैप्ड, रैप्ड मतलब कवर किया किसमें, शॉल में, क्योंकि ठंड का टाइम था उस टाइम, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. और उसके बाद वो वाली चेयर आपने देखी होगी जो जिसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं, वो झूलती है, ठीक है, आगे पीछे होती है, ठीक है. सो उसी उसी चेयर पे वो बैठी रहती है अपने मतलब अपनी सॉरी उसको लेकर के उसकी दादी माँ उस पर बैठी रहती है. एंड देवर एंड शी वॉज रॉकिंग, राइट, एंड शी वॉज रॉकिंग मीन्स शी वॉज टेकिंग द फुल इन्जॉयमेंट ऑफ दैट चेयर. द चाइल्ड क्लंच टू हर सॉफ्ट बॉडी. और क्लंच मीन्स टू होल्ड. और वो बहुत तेज़ी से उसने हग किया हुआ था किसको, अपनी दादी माँ को. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड. सॉब्ड मीन्स क्राइंग, मतलब सिसकते हुए, वो रो रही थी, सिसक रही थी, तो वो सिसकते हुए बोलती हैं कि आई डोंट नो कि भगवान ने फादर्स को किस लिए और क्यों बनाया है. हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, राइट. तो वो उसकी दादी माँ उसको एक डार्लिंग सॉरी एक हैंकी देती है और कहती है कि अपने नाक और आंसुओं को पोंछ लो. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. अब वो उससे दादी माँ बोलती हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ कोई नहीं, तुम ऐसा करो, सो जाओ और सुबह तक तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. और वो दादी माँ बोलती हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, राइट. सो उसकी दादी माँ भी बोलती है
कि मैंने लाइक आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द फादर, राइट, मैंने एक्सप्लेन किया फादर को सारी सारी चीज़ें बताने के लिए, बट ही वॉज वो इतना अपसेट था कि उसने उसको कुछ भी सुनने सुनने के लिए ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनी थिंग, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, राइट। पर उस लड़की ने, उस जो केजिया थी, उसे ये सब वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्यू इन टू हर चीक्स, राइट। और हर बार और अगली बार से जब भी वो अपने पापा को देखती, वो अपने दोनों हाथ कहाँ कर लेती, पीछे कर लेती, ठीक है, डर के मारा कि ताकि फिर से उसके पापा उसको बुला के उसकी हथेली पे या हाथों पे फिर से स्टिक से मारे ना। एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और डर से एकदम उसका चेहरा क्या हो जाता था, लाल हो जाता था। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब मैकडॉनल्ड्स क्या है, ये केजिया और जो उसकी फैमिली है उनके पड़ोसी हैं, और वो क्या है, क्या सरनेम है उनका, मैकडॉनल्ड्स। सो द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 children, उसके 5 बच्चे थे, ठीक है, या उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, ठीक है। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, अब फेंसिंग होती है मतलब जो आप कहते हो रेलिंग लगा देते हैं, ठीक है, या फेंसिंग कर देते हैं कि कोई इधर से उधर ना जा पाए ना उधर से इधर आ पाए, तो एक हिसाब से बैरियर का काम करता है ये फेंसिंग। तो फेंसिंग लगी हुई थी, उन्हीं के बीच बीच में गैप सा था, तो उसी गैप से देखती है किस कौन, ये जो केजिया थी वो देखती है कि जो मैकडॉनल्ड के 5 बच्चे थे और मैकडॉनल्ड जो खुद एक लाइक उनका फादर था, वो टैग का गेम खेल रहे थे। टैग मतलब आप देख सकते हो बगल में लिखा है अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे के पकड़ने वाले गेम को क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। तो वो सारे 5-6 लोग, 5 बच्चे और एक उनका फादर, वो टैग वाला गेम खेल रहे थे, और ये कौन देख रहा था, ये फेंसिंग के दूसरी तरफ से लिटिल गर्ल मतलब केजिया देख रही थी। सो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय वो इन लोगों को टैग वाला गेम खेलते हुए देख रही थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, अब उसके जो पापा था, जो मैकडॉनल्ड मिस्टर मैकडॉनल्ड थे, वो उनके कंधे पे उसने अपने एक छोटे से छोटे बच्चे को बैठा, सबसे छोटे बच्चे को बैठा रखा था, उसका नाम क्या था, माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पे बैठा रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और दो उनकी जो दो लड़कियां थी, दो छोटी लड़कियां और जो थी, वो उनके कोट को पकड़ के, पॉकेट जो कोट का पॉकेट था उसको पकड़ के वो घूम रही थी, मतलब हैंग कर रही थी, मतलब पॉकेट को, जो कोट का पॉकेट होता है उसको उन्होंने उसमें हाथ डाल के उस वो झूल रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और उस फ्लावर मतलब क्योंकि गार्डन एरिया था, ठीक है, तो आसपास चारों ओर घास थी, फ्लावर्स थे, तो उसी पे वो दौड़ लगा रही थी चारों ओर, एक दूसरे को पकड़ने का खेल रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और सब सारे लोग क्या कर रहे थे, देवर इन्जॉइंग द टाइम, देवर लाफिंग, देवर इन्जॉइंग द टाइम। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, राइट। और जैसे ही उन्होंने अपने दो लड़के भी वहाँ थे, उनके जो भाई लोग थे, क्योंकि टोटल कितने बच्चे थे, 5 बच्चे, तो एक जो कंधे पे बैठा था मिस्टर मैकडॉनल्ड के, दो लड़कियाँ और दो लड़के और थे। वंस ही सॉ द बॉयज, और जैसे उन लड़कियाँ, जो दोनों लड़कियाँ अपने पापा के पॉकेट के कोट के पॉकेट्स के साथ खेल रही थी, उन जैसे उन्होंने देखा किसको, उन दोनों अपने दोनों भाइयों को क्या करते हुए, टर्न द होर्स ऑन हिम, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि वो होर्स मतलब अ काइंड ऑफ अ पाइप विच इज़ यूज्ड फॉर थ्रोइंग और पुटिंग वाटर और यूज फॉर वाटरिंग, ठीक है। तो जो पाइप होता है आपने देखा होगा, पाइप होता है वो वाटर करने के लिए, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, होर्स, राइट। सो वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, राइट। अब फिर उसके बाद जो बच्चे थे, ठीक है, ये जो बच्चे थे, ये दो लड़के जो उसके थे मिस्टर मैकडॉनल्ड के, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक पाइप लिया और सबके ऊपर पानी डालने लगा, ठीक है, मतलब पानी डालने लगे वो बच्चे, ठीक है, और ख़ासकर मिस्टर मैकडॉनल्ड के ऊपर भी। तो मिस्टर मैकडॉनल्ड उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ही वॉज नॉट एंग्री, मतलब वो गुस्से में नहीं थे, ठीक है ना, उनको गुस्सा आया कि ये बच्चे, ये दोनों जो लड़के हैं, वो पानी क्यों डाल रहे हैं सब पे, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो उनके साथ और भी अच्छे से या मज़े से खेल रहे थे और उनको
मतलब खुशी खुशी या हंसते हंसते एक दूसरे को वो लोग कैच कर रहे थे, एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और जितने समय वो वहाँ पे खेल रहे थे वो लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे, तो उतने टाइम जो मिस्टर मैकडोनल्ड था खासकर, वो क्या कर रहा था या वो क्या कर रहे थे कि उन दोनों बच्चों को, जो लड़के थे, उनको हंसते हुए या खुश रहते हुए उसको पकड़ रहे थे, राइट। सो दैट मीन्स दे वर एन्जॉइंग द गेम, दे वर प्लेइंग द गेम ऑफ द टैग, दे वर कैचिंग ईच अदर, दे वर लाफिंग, दे वर स्पेशली द टू बॉयज वर पुटिंग द वाटर ऑन द गर्ल्स along with the father, not along with the father but also on to the father, right. And with all these things the father was not getting angry, instead he was catching and he was playing too with all enthusiasm and laugh, right. So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book itself too, right. So like you have seen, I have written couple of word meanings in the book, right, while explaining these particular paragraphs, right. So what you have to do is you have to write down all the meanings, right, in your first in your book, right, and as well as in your classwork copy, the word with as well as the word and meaning together, right, in the book itself too. Read this lesson a little further as well. So only two or three paragraphs are still left for us to complete this lesson, and this particular chapter will get over in our next video. So read the lesson or read the leftover paragraph of this lesson, right. It is your homework. So students, in our next class we will continue with this lesson, right. We will continue with the same lesson. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.